अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक नया आई मेकअप की वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। सो यहाँ मैं इस आई मेकअप के लिए सबसे पहले एक ऑरेंज शेड लेकर क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ और उसे क्रीज में ही ब्लेंड करूँगी और उसके साथ साथ आई लिड पर भी थोड़ा सा अप्लाई करती जाऊँगी। शेड को अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश पे पीच शेड लेकर इस अपनी क्रीज में जो शेड अप्लाई की थी उसके कॉर्नर्स को अच्छी तरह से ब्लेंड करूंगी और शेड को सॉफ्ट लुक दूंगी। ऑरेंज शेड को अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद मैं एक ब्राउन शेड लेकर लिड पर अप्लाई कर रही हूं और उसे इसी क्रीम ट्रांजिशन शेड के साथ ही ब्लेंड कर दूंगी। ब्राउन शेड मैं इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक अप्लाई करूंगी। शेड अप्लाई करने के बाद मैं विंग लाइनर अप्लाई करूंगी। विंग लाइनर अप्लाई करने के लिए मैं लैश लाइन के साथ से लाइन ड्रा करूंगी और उसे आईब्रो की तरफ एक्सटेंड करूंगी। उसके बाद जो हमने आईब्रो की तरफ लाइन अप्लाई की थी उसके मिड से लेकर इनर कॉर्नर तक लैश लाइन के साथ साथ लाइन अप्लाई करेंगे और उसे फिल कर देंगे। सो विंग लाइनर हमारा लग चुका है। उसके बाद मैं एक लिक्विड ग्लिटर लेकर उसे लाइनर के ऊपर ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। ग्लिटर को मैं लाइनर पर अच्छी तरह अप्लाई कर दूंगी। इससे इसके साथ हमारे लाइनर में एक शिमरी इफेक्ट आ जाएगा। सो अब ग्लिटर की एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलेंगे लोअर लैश की तरफ। सबसे पहले मैं वाटर लाइन पर ब्लैक काजल अप्लाई करूंगी और इस काजल को लोअर लैश के साथ स्मच कर दूंगी। काजल को वाटर लाइन पर अप्लाई करने के बाद लोअर लैश पे के साथ साथ अप्लाई भी करूंगी और उसके बाद एक ब्रश लेकर इसको ब्राउन शेड से स्मच कर दूंगी। सो काजल भी अब अच्छी तरह से स्मच हो चुका है। इसके बाद मैं लैशेस पे मस्कारा का कोट करूंगी। अपर लैशेस के बाद मैं लोअर लैशेस पे भी मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। अब मस्कारा अप्लाई हो चुका है। इसके बाद मैं एक शिमर शेड लेकर ब्रो बोन को हाईलाइट करूँगी। यहाँ हमने ब्रो बोन को शिमर शेड से हाईलाइट किया है लेकिन इनर कॉर्नर को मैं एक लिक्विड ग्लिटर आई शेडो लेकर हाईलाइट करूँगी। इनर कॉर्नर में अप्लाई करने के साथ साथ मैं हल्का सा लोअर लैश लाइन के साथ भी अप्लाई कर दूँगी। सो अब हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माय आई मेकअप। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा मेकअप पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा मेकअप कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।